उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे के खिलाफ जमकर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने का अनुरोध किया है। बीजेपी सांसद ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में उनसे अनुरोध करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आने वाले विधानसभा चुनाव में मथुरा के बीजेपी उम्मीदवार बनाने के विचार करने को कहा है। पत्र में राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जेपी नड्डा को लिखते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्तव्य और चिंतन से प्रदेश में भारी प्रतिष्ठा अर्जित की है और प्रदेश वासियों की चिंतन की धारा बदल दी है। सीएम की तरफ से खुद ये ऐलान किया गया है कि पार्टी जहां से भी कहेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले में जांच टीम चार्जशीट आज दाखिल कर सकती है। आपको बता दें कि चार्जशीट तैयार पूरी तरह से हो चुकी है और लीगल टीम की मंजूरी के लिए होमवर्क भी पूरा हो चुका है। घटना के 3 महीने के बाद भी आज पूरे हो चुके हैं। ऐसे में 7 अक्टूबर को पहली गिरफ्तारी के बाद 90 दिन पूरे होने से पहले ही हर हाल में 6 जनवरी तक न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करना है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में 4 किसानों और 1 पत्रकार सहित 8 लोगों की जान चली गई थी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखीमपुर से हमारे संवाददाता किशन निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, लखीमपुर के ये पूरा तिकुनिया कांड जो हुआ था, इसमें कहा जा रहा है कि चार्जशीट दाखिल अब हो जाएगी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, साफ तौर में बताना चाहूंगा कि सूत्रों के हवाले से हम लोगों को खबर मिल रही है कि आज कोर्ट में जो है एक बक्से के अंदर लेकर एसआईटी टीम चार्जशीट लेकर पहुंची है, जो कि एक बक्से में बताई जा रही है। लगभग अब पन्ने चुकी भरने में सूचने मारी, लगभग 5000 पन्नों की चार्जशीट है और कहीं ना कहीं जो आशीष मिश्रा है उनको थार जो गाड़ी थी, जो गाड़ी जलाई गई थी थार, उसमें कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा की मौजूदगी बता रही है एसआईटी, हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है। और एक वीरेंद्र शुक्ला है जो की स्कॉर्पियो चला रहे थे, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी आरोप सिद्ध हो रहा है क्योंकि उन्होंने पांच मिटाने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर है हम लोगों के पास में कि कोर्ट में चार्जशीट एसआईटी ने दाखिल कर दी है और कहीं ना कहीं आशीष है जो भी उनके साथ में 13 लोग बंद हैं, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल किशन, और कहा यह भी जा रहा है, जानकारी ऐसी मिल रही है कि चार्जशीट में आशीष के एक और रिश्तेदार का नाम शामिल हो सकता है। देखिए, साफ तौर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एसआईटी ने जो इसकी जांच है वो कहीं ना कहीं उसमें, क्योंकि जिस तरीके से धाराएं बदली गई, धाराएं बदलने के बाद में कहीं ना कहीं कहा गया था कि प्री प्लान हत्या है, तो उसके बाद में कहीं आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी थी और जो 13 आशीष मिश्रा को मिलाकर जो 13 लोग बंदे उनकी मुश्किलें बढ़ी थी। लेकिन आज जिस तरीके से एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है उसमें साफ तौर पर ये सूत्रों के हवाले से हम लोगों के पास खबर है कि कहीं ना कहीं 2 से 3 लोग जो जुगाड़ियों में थे उनकी मौजूदगी बताई गई, आशीष मिश्रा की मौजूदगी की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं शुक्ला जो स्कॉर्पियो चला रहे थे उनकी मौजूदगी, उन्होंने साक्ष मिटाने का मामला है। लेकिन अगर बात की जाए तो अभी हम लोगों के पास सूत्रों के हवाले से खबर है, एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी और जो भी आरोपी हैं उनकी मुश्किलें भरना अब तय हो रही है। जी बिल्कुल किशन, और ये चार्जशीट कब तक दाखिल हो जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कोर्ट में एसआईटी टीम पहुंच गई, ये हमारे सूत्रों का कहना है। लेकिन अभी जिस तरीके से हम लोगों को पूरा हम लोग उस पर नजर बनाए हुए, लेकिन अभी ये सूत्र हमारे लोग बता रहे हैं कि एसआईटी टीम जो है कोर्ट में पहुंची है और वो कहीं ना कहीं एक बक्से में लेकर चार्जशीट की कॉपियां हैं वो लेकर पहुंची है, उनको दाखिल करेगी। तो अभी हम लोगों के पास सूत्रों खबर है, लेकिन हम लोग कोर्ट परिसर के बाहर है, लेकिन अभी तक जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर है और मीडिया को सब थोड़ा सा दूर रखा जा रहा है क्योंकि वहां पर बैरिगेटिंग की गई है कि वहां तक जो साक्ष है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाए, उसके बाद मीडिया को जो प्रशासनिक अधिकारी जानकारी देगा उसके बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे कि आखिर कितने पन्नों की चार्जशीट थी और किन किन लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ है। जी जी चलिए ठीक है किशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो ऐसे में तिकुनिया कांड में आपको बता दें कि अब चार्जशीट दाखिल हो सकती है। तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र, सोनू समेत 13 आरोपी जिला कारागार में बंद हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी भले ही 10 अक्टूबर को हुई थी, मगर उससे पहले 7 अक्टूबर को आशीष मिश्र के करीबी लव कुश और आशीष पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे में दोनों को 8 अक्टूबर को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। कानून के जानकारों के मुताबिक हत्या जैसे जघन्य मामले में विवेचक को न्यायिक अभिरक्षा के पहले दिन से 90 दिनों के भीतर जांच मुकम्मल
कर चार्जशीट दाखिल करने की बाध्यता होती है और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अभियुक्त को इसी आधार पर जमानत पर छोड़ना पड़ेगा। कानपुर के नौबस्ता सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। मौके पर कार में सवार सभी लोगों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं कार में लगी आग से एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस कर्मियों ने यातायात को रोका, जिसके चलते लंबा जाम भी लग गया। सीतापुर के थाना रामपुर कला इलाके में लगातार दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है, जहां पर जमीनी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद दबंगों ने पीड़ित परिवार का घर जला दिया। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष का कहना है कि दबंगों ने उनका घर जला दिया। वहीं जब पीड़ित पक्ष ने मामले की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। और कई लड़का गिरा गिरा सब लोग मारे और घर में आग लगा दिन कहीं की ऐसा है कि अगर ये सब कोई भाग नहीं रहे तो नाने नाने बच्चन छोड़ दे तो हम मर जाए। तो साहब हमारे परिवार का बहुत मारी ने मुकेश सिंह, रंजीत सिंह, छोटू, दीपक और ज्योति और शकुंतला और कभी सविता उनकी बिटिया बहुत मारी ने गिरा गिरा और बताने काबिल ना है कि जितना से नेमली बहुरियन की बेइज्जती कह के मारी नहीं। देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के युवा नेता विश्व विजय निषाद ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार के लिए किए गए विकास कार्यों को गिनाया। निषाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे पिता जयप्रकाश निषाद ने रुद्रपुर विधानसभा में विकास कराने में उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ की समस्या हो, हम लोग जनता के साथ दिन रात खड़े रहे। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड से लेकर नाली तक, बिजली से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक हमने कई विकास कार्य अपने कार्यकाल में किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने जनता के दुख सुख में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। राजकीय आईटीआई कॉलेज का शिलान्यास कार्यक्रम सिंगुड़ा खोखरबंद पकड़ी बाजार क्षेत्र में हुआ, जो औद्योगिक क्षेत्र में जो लड़के जाना चाहते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एवं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे काछरांचल में नगमा खास गांव में राजकीय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज का भी शिलान्यास हुआ है, जो बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ उस क्षेत्र की सम्मानित शिक्षा लेने वाले बच्चे उठा सकेंगे। एवं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र से विभिन्न जो जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी विद्यालय हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत कायाकल्प करा के सुंदर और सुदृढ़ कराया जा रहा है, जिससे बच्चों को स्वस्थ मस्तिष्क के साथ अच्छी शिक्षा मिल सके। फरुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र में होली की जगह को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। वहीं युवक पर दूसरे पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सीतापुर के कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट होने से व्यापारी के घर में आग लग गई। वहीं आग लगने की सूचनाएं स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो सीतापुर में आपको बता दें कि व्यापारी के घर में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से घर में आग लग गई है और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस आग लगने की वजह से लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया है। बांदा के कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने युवती को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोग आनन फानन में युवती को अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है।
हाँ, ईआरटी केस आया है। एक लड़की लगभग 20 साल की अनामिका और टाटा राम गरीब चंद्र, ये यहीं कोतवाली नगर की है। ब्रांड डेड लाई गई है मृत अवस्था में और एक्सीडेंटल मामला है। बॉडी को रखवा दिया गया है, आगे की जो कार्रवाई की जा रही है। रेलवे स्टेशन से सिविल लाइंस जाने वाले ओवरब्रिज के पास अतिथि होटल के सामने एक स्कूटी सवार लड़के अनामिका नाम की 17 वर्षीय बच्ची को लेकर के जा रहे थे। वहां एक अज्ञात ई रिक्शा चालक से टकरा गए, जिससे अनामिका सड़क पर गिर गई, जिसके सिर में चोटें आईं। आगरा थाना डोकी क्षेत्र में कोहरे के चलते फतेहाबाद रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर स्कूली बस और ऑटो में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 5 शिक्षिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शिक्षिकाओं को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मेरठ में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि मेरठ में 37 मरीजों में कोरोना की पुष्टि की गई है, जिसमें से 5 डॉक्टर भी शामिल हैं, जिसके चलते अब टोटल मरीजों की संख्या 125 हो गई है। वहीं मरीजों में एक ओमिक्रॉन का मरीज भी मेरठ में मिल चुका है, तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की है।